रेवाड़ी बार एसोसिएशन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को बार रूम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि जिला न्यायवादी बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। बार प्रधान सौरभ राव, उप प्रधान धर्मेंद्र सैनी, सचिन सुखराम, सह सचिव प्रिया राज और कोषाध्यक्ष पद के लिए सोमेंद्र ने शपथ ग्रहण की। सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार की ओर से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार ने चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बार का आभार व्यक्त किया और कहा कि बार और बेंच के बीच संबंध में बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बार और बेंच मिलकर काम करें ताकि न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बरकरार रहे। इस अवसर पर उन्होंने बार एसोसिएशन से महिला अधिवक्ताओं के लिए बार में एक सीट रिजर्व करने की अपील की। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान शमशेर सिंह यादव ने भी पिछली बार के अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए नई बार एसोसिएशन से पिछली योजना में रह गए कार्य को पूरा करने की अपील की। इस अवसर पर नवनिर्वाचित प्रधान ने अपनी कार्यकारिणी की ओर से आश्वासन दिया कि नई बार हमेशा अधिवक्ता साथियों के लिए काम करने को तैयार रहेगी। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ जिला न्यायालय के न्यायाधीश और बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। पांचों पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई है। शपथ के कार्यक्रम के दौरान हमारे मुख्य अतिथि माननीय डीजे साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विमल कुमार जी मौजूद रहे और कई अन्य अधिकारी, न्यायिक अधिकारी के साथ साथ सभी अधिवक्ता साथी मौजूद रहे। और शपथ लेने के बाद आज हमारे सौरभ राव नव नियुक्त प्रधान ने ये घोषणा की है कि वह वकीलों के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। आज सौरभ राव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सैनी और सेक्रेटरी सुखराम और ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रिया राज तथा ट्रेजरार के रूप में सोमेंद्र ने शपथ ग्रहण की। मैं सभी को कांग्रेचुलेशन देता हूँ। आप सभी ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा इलेक्शन होल्ड किया। पीसफुली आपने इतना कैनवेसिंग किया कि हमारी जो कोर्ट थी, कोर्ट की सराउंडिंग्स थी, वो आपकी होल्डिंग्स के पीछे छुप गई थी। और बहुत आपने मेहनत की, पूरे जोशो खरोश के साथ आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। कोर्टों में इलेक्शन के दौरान भी हमारा पीसफुल काम चलता रहा, उसका भी थैंक्स आपका। और जैसे पहले वाली टीम थी आपकी, उन्होंने बहुत अच्छी कोऑपरेशन दी बेंच में, सभी मेरे कुलीग जजेस को, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को, और खूब सुचारू काम कर चलता रहा। ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि नए ऑफिस बीयर्स के साथ भी ऐसे ही हम अच्छे से काम करते रहें, ताकि जो न्याय प्रणाली है उसको चार चांद लगते रहें। बीयर्स में से एक पोस्ट रिजर्व कर दीजिए लेडी एडवोकेट्स के लिए। कोई उसमें सिर्फ लेडी एडवोकेट्स ही खड़ी होंगी, वह भी कंटेस्ट करेंगी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा की ओर से प्रदेश के सभी 22 जिलों में 16 दिसंबर को चुनाव कराए गए थे। रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में भी 16 दिसंबर को हुए थे, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह 19 दिसंबर को रखा गया। आज उसी कड़ी में बार रूम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की ओर से शपथ दिलाई गई। उन्होंने जो काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और मैं सौरभ भाई को भी कहता हूँ कि भाई अपना बढ़िया काम करो
और उनकी पूरी टीम, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर और आप सब लोग जो इलेक्शन जितने शांतिपूर्ण ढंग से आप सब लोगों ने संपन्न करवाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी ने वोट दिए ऐसे नहीं दिए, आप इस पूरी पार्टी के प्रधान हैं, सबको साथ लेके और सबको एक सहमति से लेके आप चले ताकि ये पार नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप और सभी अधिवक्ताओं का दोबारा से हाथ जोड़ के करता हूँ धन्यवाद। आप सब लोग आए और आप सबने यहाँ के जयपाल की व्यवस्था की।